हेलो फ्रेंड्स, मायापुरी न्यूज रील के प्रोग्राम वीकेंड एंटरटेनमेंट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रेया शर्मा। ये देखते हैं इस हफ्ते की एंटरटेनमेंट न्यूज फटाफट। आलिया तोड़ेंगी रिकॉर्ड। साल की टॉप 5 ओपनिंग वीकेंड फिल्मों की लिस्ट में आलिया भट्ट की राजी को 5वां स्थान मिला है। फिल्म ने अब तक कुल 32 करोड़ का कारोबार कर लिया है। करीना की मां करिश्मा। करीना ने कहा, करिश्मा के बेहद करीब होने के मामले में मैं बहुत खुशकिस्मत हूं। वो ऐसी शख्स हैं जिन्हें मैं अपनी दूसरी मां मानती हूं। एक्समैन सीरीज में शाहरुख। किंग खान को लेकर जैक मैन का कहना है कि एक्समैन की आने वाली सीरीज में शाहरुख खान हो सकते हैं। भावेश जोशी का गाना चुम्मे में च्यवनप्राश। राजकुमार करेंगे 5 शादियां। राजकुमार राव की इस नई फिल्म का नाम 5 वेडिंग्स है। इस फिल्म में राजकुमार राव के साथ नरगिस फाकरी मुख्य भूमिका में दिखाई देंगी। शिल्पा के साथ सुनील का रेन डांस। सुनील ग्रोवर और शिल्पा शिंदे का नया वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों ही हम तुम के टाइटल सॉन्ग सांसों को सांसों में पर परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। हल्फा मचा के गए बिना कट के पास। फिल्म हल्फा मचा के गईल को सेंसर बोर्ड ने बिना किसी कट के पास कर दिया। फिल्म को पूरे परिवार के साथ बैठकर देखा जा सकता है। मोनोकनी में प्रियंका। कैलिफोर्निया की बर्बरी हिल्स में समर ब्रेक का लुत्फ उठा रही प्रियंका ने इंस्टा पर चटक लाल रंग की मोनोकनी पहने आकर्षक पोज देते हुए एक तस्वीर पोस्ट की है। सलमान बनेंगे कृष्ण। आमिर खान फिल्म महाभारत में कर्ण का किरदार निभाएंगे। वहीं सलमान खान को कृष्ण का रोल ऑफर किया गया है। खुद आमिर ने सलमान के सामने ये प्रस्ताव रखा है। उड़ने में माहिर हैं टाइगर। टाइगर ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है। उनके इस वीडियो को देख आप कहेंगे कि वो उड़ सकते हैं। उन्होंने लिखा है, मैं मानता हूं कि मैं उड़ सकता हूं। प्रियंका बनाएंगी पानी। प्रियंका चोपड़ा की अगली मराठी फिल्म का नाम पानी है। पानी खास है क्योंकि ये एक सच्ची कहानी पर आधारित है और इसमें एक सामयिक मुद्दे को उठाया गया है। चिट्ठी से परेशान बोनी। दुबई की जांच एजेंसी का मानना है कि जांच सही तरह से नहीं हुई है और इस पर आगे जांच करने की संभावना, इसलिए दुबई की जांच एजेंसी जल्द ही बोनी कपूर को दुबई बुलाना चाहती है। मेटालिक नेकलेस से छुपाया हुस्न। हॉलीवुड सिंगर सिनेटा ब्रिटिश एलजीबीटी अवार्ड में पहुंची। इस दौरान सिनेटा ने ब्लैक पैंट के साथ टॉपलेस हुए एक मेटालिक नेकलेस पहना हुआ था, जिससे उन्होंने अपने प्राइवेट पार्ट्स छुपाए हुए थे। वीरे दी वेडिंग का गाना वीरे। गाली पर ध्यान नहीं देते अमिताभ। अमिताभ ने कहा, सोशल मीडिया पर होने वाले गाली गलौज को मैं पॉजिटिव लेता हूँ, ये मुझे और बेहतर बनने के लिए प्रेरित करता है। अवेयरनेस फैलाएगा माधुरी का सॉन्ग। वीरे दी वेडिंग को मिला ए सर्टिफिकेट। सेंसर बोर्ड ने बोल्ड संवाद सीन और गालियों से भरी फिल्म वीरे दी वेडिंग को बिना किसी कट के ए सर्टिफिकेट के साथ पास कर दिया है। दिशा को मिला सलमान का साथ। दिशा पटानी के हाथ एक बड़ा ऑफर लगा है। उन्हें सलमान और प्रियंका चोपड़ा की आने वाली फिल्म भारत के लिए कास्ट किया गया है। फिल्म के डायरेक्टर अली अब्बास जफर ने इसकी घोषणा की है। स्कूल गर्ल जैसी है ऐश्वर्या। ऐश्वर्या ने कहा, मुझे लगता है कि काम के मामले में मैं स्कूली लड़की की तरह थी। मैं तय कार्यक्रम के हिसाब से काम करने में अच्छी थी और इसके चलते मुझे कुछ बेहतरीन फिल्में और मौके मिले। पिंजरे में कैद मलिका। मलिका ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, हर मिनट एक औरत अत्याचार की शिकार हो रही होती है, न्याय के इस काम में मदद करें। हॉलिडे एंजॉय कर रही है मलाइका। मलाइका अरोड़ा इन दिनों लॉस एंजलिस में हॉलिडे एंजॉय कर रही हैं। उन्हें घूमना फिरना बेहद पसंद है क्योंकि इस शहर में हमेशा कुछ नया मिल जाता है। रेस फ्री का गाना हीरिये। हीरिये नी नशा तेरा करके ना पूछ हमें क्या हो गया, ना पूछ हमें क्या हो गया। कांस में मिला श्रीदेवी को अवार्ड।
कांस में श्रीदेवी को टाइटन रेजिनाल्ड एफ लुईस फिल्म आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया। श्रीदेवी की ओर से यह अवार्ड सुभाष घई ने लिया। मायापुरी न्यूज रियो के प्रोग्राम वीकेंड एंटरटेनमेंट में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए मायापुरी कट।